ಗದ್ಯಕಂಡಿ ಲೇಸ ಶುಕ್ರ ತಾರೇ ಕಮಾನ ಮಹಾದೇವ ಜೀ ಕಟ ಕ್ಯಾ ವಿಶೇಷತಾ ಥಿ ಜವಾಬ ಮಹಾದೇವ ಜೀ ಶುದ್ಧ ಔರ ಸರೇಖ ಲಿಖತೆ ವೈಸರಾಯ್ಕೋ ಜಾನೇವಾಲೆ ಪತ್ರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹಮೇಶ ಮಹಾದೇವ ಸೇ लिखवाते थे उनका लेखन सबको मंत्रमुग्ध कर देता था उनके लेखों में क्रम हलंत तक की गलती नहीं होती थी बड़े बड़े सिविलियर और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्वस्वम में उनके समान अक्षर लिखने वाला कोई नहीं था निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना परिचय उनके फिर बाबाजी विषय दिख के रूप में देते में वे गौरवान्वित महासूस करते थे जवाब महादेव जी के निजी सचिव और सहयोगी थे वे गांधी जी के हर काम को करने के लिए तत्पर रहते थे गांधी जी के हर गतिविधि उनके भोजन और दैनिक कार्यों में साथ देते थे वे स्वयं को गांधी जी का सलाह कर उनका रसोईयोम करते थे मशक से पानी ढोने वाला तथा बिना विरोध के गधे के समान काम करने वाला मान देते। सेकंड क्वेश्चन इस पेशे में आम तौर पर स्वाहा को सफेद और सफेद को स्वाहा करना होता था जवाब एक वकील के पेशे में उसका काम गलत को सही और सही को गलत साबित करना होता है इस पेशे में पूरी तरह सच्चाई से काम नहीं होता लक्ष्य केवल जीत होती है इस कारण से ही गांधी जी ने इस पेशे को छोड़ा था थर्ड क्वेश्चन में मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह की अचानक हो गए। जवाब महादेव देसाई जी को शुक्र तारे के समान माना गया है उनकी मृत्यु अल्पायु में ही हो गई थी शुक्र तारे की तरह अल्प समय में अपनी प्रतिभा से सारे विश्व को मुक्त कर दिया और सन 1935 में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए फोर्थ क्वेश्चन उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइस राय लंबी सांस विश्वास लेते रहते थे जवाब महादेव देसाई जी की लिखावट सुंदर और शुद्ध होती थी लेकिन में विराम तक को गलती नहीं होती थी वैसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के सभी पत्र उनकी लिखावट में जाते थे उन्हें देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायस राय प्रसन्न हो उड़ते थे भाषा अध्ययन दी। एक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए భాషా అధ్యయన్ జవాబు టెస్ట్లో ఇవన్నీ పూరించండి నోట్స్లో రాసుకోండి జవాబు సప్తాహ ప్లస్ ఇక్ సప్తాహిక్ సాహిత్య ప్లస్ ఇక్ సాహిత్విక్ రాజనీతి ప్లస్ ఇక్ రాజ నైతిక్ ప్లస్ ఇక్ ఆర్దిక్ தர்மா பிளஸ் ஈக்கு தார்மிக்கு வர்ஷா ப்ளஸ் ஈக்கு வார்ஷிக்கு